हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ डिजाइनर निशात मिर्जा और हम सीख रहे थे अब तक फ्री फैशन ऑनलाइन डिजाइनिंग कोर्स। आज हमारी लास्ट क्लास है, ये पी यो। और आज के बाद हम मिलेंगे बट क्लास में नहीं मिलेंगे। आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं बट क्लास वाइज नहीं देखेंगे। मैं कुछ भी आपके लिए कुछ अच्छा सा ब्लॉग बना करके अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। बट मैटर जो भी होगा वो सीखने वाला होगा, राइट गाइस। तो 1 जून से लेकर के आज की डेट तक हम लोग साथ रहे और एक दूसरे को क्वेश्चंस पुट अप किए, मैंने आंसर दिए। आपने तरी तरीके के उटपटांग क्वेश्चंस भी मुझसे पूछे, मैंने उटपटांग आंसर्स भी आपको दिए। आपने अच्छे क्वेश्चंस पूछे, मैंने भी अच्छे क्वेश्चंस के आंसर अच्छे रूप में दिए, राइट गाइस। तो बहुत अच्छा था हमारा, बहुत मजा आया। मुझे पढ़ाने में भी बहुत मजा आया, आपको पढ़ने में भी मजा आया। बहुत सारी चीजें हमने की, क्रिएटिविटी की, हमने कॉम्पिटिशन में भी पार्ट लिया और जल्दी ही सारे रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे। बेस्ट स्केच एंड बेस्ट इंस्पिरेशनल बोर्ड। एंड अब हमारा बाकी रहेगा 25 तारीख को जो लास्ट डेट है, जिसमें पार्टिसिपेट करने की लास्ट डेट है, तीज क्वीन, राइट गाइस। अब ये ड्रेस बहुत सारे लोग जो ये ड्रेस बना रहे हैं वो पहन सकते हैं तीज के लिए, और अगर जिन्होंने नहीं बनाई है, जिनके पास में ऑलरेडी ग्रीन ड्रेस है, तो वो ग्रीन को तब पहन के पिक सेंड कर सकते हैं। बट आई एम शॉक्ड, कल किसी स्टूडेंट ने मुझे एक अजीब सी पिक सेंड की ग्रीन ड्रेस में और मुझे अजीब सी लग रही थी। वो गर्ल बैठी हुई थी पोस्ट शादी वादी में शायद, आई थिंक उसको सीरियस एकदम। बट बच्चों प्लीज ऐसा सीरियस से फोटो मत भेजना कि जबरदस्ती किसी ने ग्रीन कलर की ड्रेस पहन आके जबरदस्ती फोटो खींच ली हो, ऐसे नहीं करना। मैंने कितने अच्छे से आपको देखा है ग्रीन कलर की ड्रेस में फोटो पोस्ट की है लाइक दिस, कुछ इस तरीके से खुश होकर के। मैं जबरदस्ती, मुझे नहीं करनी है कि आप जबरदस्ती आप मुझे पोस्ट कर रहे हो, मुझे ऐसे नहीं। आप हैप्पीली पार्टिसिपेट करें। आप लोग तीज क्वीन की महत्व को जाने, तीज की महत्व को जाने। तीज कितना पवित्र हमारा उत्सव है और हम किस तरीके से इंडियंस लोग मनाते हैं, कितनी खुशी के साथ। डांस होता है, ढोल भंगड़ा होता है, ग्रीनरी होती है, खाना पीना होता है और कितना अच्छा खुशी का त्यौहार है। मुझे तो बहुत पसंद है तीज उत्सव। इवन मैं खुद उस दिन ग्रीन ड्रेस पहनना पसंद करती हूँ और अपनी फ्रेंड्स के साथ में जाती थी लास्ट ईयर तक तीज उत्सव में। बट इस बार आई थिंक लॉकडाउन की वजह से नथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी, सब कुछ हमें ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। मुझे भी ग्रीन ड्रेस पहन करके आप लोग के साथ में जो पार्टिसिपेट कर रहा है, मुझे भी अपना एक फोटो अपलोड करना है ग्रीन ड्रेस में, राइट गाइस। तो आप लोग भी जैसे हो सके ग्रीन ड्रेस में अपनी अपनी फोटोज अपलोड कीजिएगा और ग्रीन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। इससे हमारे 2 मैसेज करने होंगे, एक तो ग्रीन वर्ल्ड एंड क्लीन वर्ल्ड, ठीक है, और दूसरा तीजोत्सव, हमारी परंपरा, हमारा ट्रेडिशन, ये सबको पता चलेगा। तो प्लीज प्लीज ग्रीन के अहमियत को समझिए। ग्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ग्रीनरी बहुत जरूरी है। तो प्लीज सब लोग पार्ट लीजिए, ओके गाइस। तो हम सब मिलकर के तीज उत्सव ग्रीन मॉनसून ग्रीन मनाने वाले हैं, मॉनसून ग्रीन मनाने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट, ओके। तैयार हो जाइए, अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और तैयार हो जाइए, ओके गाइस। तो चलिए मैं आपको आज बताने वाली हूँ हाउ टू स्टिच जिप्सी स्कर्ट, ओके गाइस। तो लेट्स स्टार्ट आज का वाला, ओके गाइस। जब हम अपनी जिप्सी स्कर्ट को, ये जो हम स्ट्राइप हमने कट किया था ऐसे, तो सबसे पहले इन जो स्ट्राइप्स को हम या तो इंटरलॉक करते हैं या फिर हम पीको कराते हैं, अदरवाइज अगर दोनों नहीं करते, ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से मशीन से इसको फोल्ड करके स्टिच कर लेते हैं लॉन्ग स्टिच से, तो इससे ये फिनिशिंग रहती है। उसके बाद में ये करने के बाद में ये जो स्ट्राइप्स हैं इनको आपस में इस तरीके से अटैच कर लेंगे लाइक दिस, ये सब अटैच करेंगे और ये देखिए इस तरीके से अटैच करना है बीच से। यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से अटैच होंगी ये, ओके गाइस। ये अटैच के बाद में कुछ ऐसे नजर आएंगे, तो ये इस तरीके से हमको ये ऐसे दिख जाएंगे। और फिर इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे फोल्ड करना शुरू करेंगे, अब देखिए आपको क्या करना है। इसमें ये वाला जो स्ट्राइप है, ग्रीन स्ट्राइप देख रहे हैं ना आप,
अब आपको ग्रीन वाले स्ट्राइप के ऊपर ये रख करके यहाँ पर इसमें छोटी छोटी प्लेट्स में डाल देनी है, ये वाला ब्लू कलर के कपड़े से। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ये डाला जाएगा। ओके गाइस देखिए सबसे पहले ग्रीन का है, तो हमने ये यहाँ पर ग्रीन दिया है, ये ब्लू है तो ब्लू है, और ये हमने जो है पर्पल दिया है तो ये पर्पल का, नीचे लास्ट में हमारा ग्रीन है। अब हमें ये ब्लू कलर की बेल्ट इसमें अटैच करनी है, राइट। देखिए मैंने इस तरीके से इसमें प्लेन, इसको हम इस तरीके से 4 इंच के जैसे जितनी हमें इसमें बेल्ट अटैच करनी रहेगी, राइट गाइस। अब मैं इसमें अटैच करके आपको दिखाती हूँ बेल्ट, बस इसका लास्ट एक स्टेप बचा है किस तरीके से ये अटैच होगी, इसके बाद हमारी स्कर्ट रेडी हो जाएगी। ओके गाइस तो ये देखिए हमारी ये इस तरीके से इसमें बेल्ट हमने लगा लिया है, ये बेल्ट है इसमें, थोड़ा गुड लुकिंग, ये वेस्ट एकदम थोड़ा टाइट दिखेगी, बहुत अच्छी सुंदर लगेगी। और अब हम इसको साइड से मोड़ देते हैं और फोल्ड कर देते हैं, ये वाले किनारे वाली स्टिच हमारी स्कर्ट रेडी हो जाएगी, राइट गाइस। अब ये हमारी स्कर्ट रेडी होने वाली, साइड से हम आपको स्टिच लगा के दिखाते हैं। देखा गाइस किस तरीके से हमने इजीली इसमें स्ट्राइप्स जोड़ जोड़ करके जिप से स्कर्ट तैयार की है। तो देखा गाइस किस तरीके से हमने स्ट्राइप को जोड़ करके जिप से स्कर्ट तैयार की है। इसमें कुछ इस तरीके से फ्लेयर्स आए हैं, ये सिल्क फैब्रिक है और मोटा कपड़ा है, तो मैंने लाइनिंग लगाने की नीड नहीं, मुझे लगा किस में होगी। इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, मैंने कुछ इस तरीके से जो डिज़ाइन किया, कोशिश की है कि इसमें यही कलर्स आए, बट जो फैब्रिक मेरे पास अवेलेबल था मैंने उसको यूज़ करके ये अपनी जिप से स्कर्ट तैयार की। आप लोग भी इसी तरीके से करिएगा। और इस पर मैं लाइट ब्लू कलर का टॉप कैरी करूँगी और ये स्कर्ट पहनूंगी, और फिर इसके बाद में मैं एक पिक इंस्टा पे अपलोड करूँगी। ओके इसमें मैं एक फैंसी डोरी यहाँ यूज़ करने वाली हूँ और उसमें दूंगी मैं टैसल्स, कलरफुल टैसल्स लाइक ये वाला फैब्रिक एंड दिस फैब्रिक एंड दिस पर्पल ब्लू एंड ग्रीन को से बनाऊंगी मैं टैसल्स कपड़ों से। और टैसल्स बना करके इसमें मैं डोरी जो डालूंगी उसमें वहाँ नीचे के साइड लटका दूंगी, तो जो मेरे टैसल्स होंगे इसमें यहाँ डोरी के साथ में यहाँ पर हैंग होंगे, और जब मैं पहन के उसको जाऊंगी तो बहुत अट्रैक्टिव स्कर्ट लगेगी जिसपे मैं जिसको मैं लाइट ब्लू कलर के टॉप पर कैरी करने वाली। मेरे पास एक टॉप रखा हुआ है जिसपे लखनऊी चिकनकारी है, बहुत सुंदर सा टॉप है और लाइट ब्लू है, मैं उसी टॉप पर इसको पहनने वाली हूँ। ओके गाइस तो अब हम स्टॉप करते हैं ये कोर्स, हमने 45 डेज का सक्सेसफुली अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, आप लोग के साथ बहुत मजा आया गाइस। अब 3 दिन के लिए हमारा फैशन स्टाइल की क्लास शुरू होने वाली है, वो अटेंड करिए और उसके बाद टीच कॉन्टेस्ट में पार्ट लीजिए। और मेंबर्स के लिए हम अपलोड करने वाले हैं जल्दी कल एक वीडियो स्पेशली, तो मेंबर्स आपका वेट इज ओवर, अब आपके लिए वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं। तो अब ये हम क्लास यहाँ खत्म करते हैं, मेरा आपका कोर्स सब कंप्लीट होके मुझे मिल जाना चाहिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बिंदास रहिए। She loves me, she needs to know I love her.